नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जनरल साइंस के बारे में। उसमें बात कर रहे थे हम लोग बायोलॉजी या जीव विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो हम लोग अभी तक 21 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर कौन सा था, 21वां, विटामिन्स, ठीक है। याद रखिए ये सभी जितने भी चैप्टर ख़त्म होते जा रहे हैं, ये आपको जनरल साइंस की जो लिस्ट बनी है, सूची लिस्ट, उसी में डले हुए हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है, याद रखिए। अब इसमें बात करते हैं जंतुओं, जंतु एवं पादपों में जनन के बारे में, ठीक है। बिना युग्मक के उत्पन्न करे जनन क्या कहलाते हैं, आलिंगिक जनन। एक ही जाति के दो सदस्यों द्वारा उत्पन्न युग्मों के बीच सहयुग्मन से कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। अकशेरुकी में कौन सा जनन पाया जाता है, आलिंगिक जनन। एक कोशिकीय जीवों में कौन सा जन्म पाया जाता है, विखंडन, याद रखिए, ठीक। आगे बात करते हैं, देखते हैं कोशिकाओं का जीवन काल। कुछ कोशिकाएं तो थोड़े ही दिन जीवित रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो हफ्तों, महीनों, वर्षों तक जीवित रहती हैं। अस्थि कोशिकाएं जो 15 से 20 वर्षों तक जीवित रहती हैं, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाएं की आयु केवल 4 महीने की होती है। त्वचा कोशिकाएं का जीवन काल लगभग 3 सप्ताह का होता है। तंत्रिका कोशिकाओं की आयु सबसे अधिक होती है, ये हमारे जीवन के अंतिम समय तक जीवित रहती हैं। मेयोसिस, माइटोसिस क्रियाओं द्वारा शरीर में कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, इसी से शारीरिक वृद्धि और प्रजनन क्रियाएं भी होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अमीबा में जनन किस प्रकार का होता है, विखंडन का। किस प्रकार के जन्म में जीवधारी के शरीर का कोई भी भाग कई खंडों में टूटकर प्रत्येक खंड अलग होकर एक नए जीव को जन्म देता है, खंडन। खंडन द्वारा जनन किस में होता है, स्पाइरोगाइरा तथा स्पंज में। किसी प्रकार के जनन में शरीर के किसी भी भाग से नए जीव का निर्माण होता है, पुनरोद्भवन। स्टारफिश में किस प्रकार का जनन होता है, पुनरोद्भवन। हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, मुकुलन। फर्न तथा मॉस में किस प्रकार का जनन होता है, बीजाणुओं द्वारा। नर युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु। मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु। आवृत बीजी पौधों में जनन अंग कहाँ व्यवस्थित होते हैं, पुष्प में। पुष्प के जनन भाग कौन से हैं, पुंकेसर तथा स्त्री केसर। जब पुरुष में पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित है होता है तो पुष्प क्या कहलाता है, एक लिंगी। पपीता में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन, ठीक है। आगे बात करते हैं, पपीते में किस प्रकार के जननांग होते हैं, एक लिंगी। जिन पुष्पों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों होते हैं वह क्या कहलाते हैं, उभयलिंगी। बीजांड क्या हो कहाँ होते हैं, अंडाशय में। अंड कोशिका कहाँ होती है, बीजांड में। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचाना क्या कहलाता है, परागकण। नर युग्मक एवं भ्रूण कोष में उपस्थित अंड कोशिका के संयोजन को क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, योगोनज, जायगोट। मानव नर में जननांग क्या कहलाता है, वेषण। वेषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। वेषण कहाँ स्थित होते हैं, उदय गुहा के बाहर वेषण कोष में। उत्पादित शुक्राणु का मोचन किसके द्वारा होता है, शुक्र वाहिकाओं द्वारा, ठीक है। बात करते हैं विभिन्न जंतुओं में गर्भावधि, जंतुओं में और गर्भावधि दिवस हो गए। हाथी में याद रखिए 624 हाथी में कितने 624 दिन। जिराफ में 400 से 480 दिन। ऊँट में 400। गधा में 365। भैंस में 310। गाय में 280। बंदर में 150 से 170 दिन। बाघ में 155 दिन। बकरी में 151 दिन। भेड़ में 151 दिन। शेर में 105 से 115 दिन। सुअर में 114 दिन। गिनी पिग में 62 से 70 दिन। बिल्ली में 63 दिन। कुत्ता में 63।
कंगारू में 40 दिन, खरगोश खरगोश में होता है 28 से 30 दिन, चूहा में 24-21 दिन, ओपोसम में 12 से 13 दिन, गिलहरी में 30 से 40 दिन, औरंग औरंग उटान में 270 दिन, सियार में 60 दिन, लोमड़ी में 51, पोटामस में 265 दिन। ठीक है, याद रखिए। अब बात करते हैं शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। शुक्राणु जनन, अंडा कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिका में। ठीक है, याद रखिए। अब बात करते हैं दोनों फिलोपियन ट्यूब संयुक्त रूप होकर क्या बनाती हैं, गर्भाशय। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, माँ के रुधिर से, प्लेसेंटा द्वारा। अंडों के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन। पुरुष के शरीर में शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रहते हैं, लगभग 30 दिन तक। शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है, लगभग 5 माइक्रोन। शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान क्या है, अधिवृषण में। पुराहा स्त्रा का आकार कैसा होता है, गोल सुपारी जैसा। अंडवाहिनिया की संख्या कितनी होती, 2। गर्भाशय का आकार कैसा होता है, नाशपाती नुमा। फ्रोजिस्टोन का स्रवण किसके द्वारा होता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। अब बात करते हैं क्लोनिंग विधि से। क्लोनिंग एक जीव रचना है जो गैर लैंगिक विधि द्वारा एकल पेरेंट से उत्पन्न होता है। क्लोन शारीरिक रूप में ही नहीं वरन अनुवांशिक गुणों में भी अपने एकल पेरेंट के अनुरूप होता है। वास्तव में क्लोन अपने एकल पेरेंट का प्रतिरूप अथवा फोटोकॉपी होता है। जिस तकनीक द्वारा क्लोन उत्पन्न किया जाता है उसे क्लोनिंग कहा जाता है। इस तकनीकी के तहत प्रायनाभिकीय अंतरण विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी एक कोशिका का केंद्र क्रोमोसोम और जीन का भंडारण होता है, इसलिए इससे एक कोशिका की सभी अनुवांशिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। नाभिकीय तथा केंद्रकीय अंतरण विधि के अंतर्गत कोशिका के नाभिक को यांत्रिक रूप से निकाल लिया जाता है और तत्पश्चात नाभिक रहित अंडाणु में पित्ती स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद उन पर हल्की विद्युत तरंगों को प्रभावित किया जाता है जिससे नाभिक रहित कोशिका अंडाणु से मिल जाती है और अंडाणु का तीव्र विभाजन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया के तहत पूर्ण विकसित इस अंडाणु को पित्ती निप्त माँ के गर्भ में आरोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार गर्भ में बच्चे का विकास और जन्म होता है। परंपरागत रूप से क्लोनिंग तकनीकी कृषि और बागवानी विशेषज्ञों में काफ़ी प्रचलित है। स्कॉटलैंड बेटेन स्थित रॉसलिंग इंस्टीट्यूट के डॉक्टर इयान बिलमुट ने के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल ने इस तकनीकी द्वारा याद रखिए, भेड़ की एकल कोशिका से डॉली नामक मेमना पैदा करने में सफलता प्राप्त की थी। डॉली अपने माँ की सच्ची प्रतिलिपि है जिसे क्लोन कहते हैं। जन्म इसका 1996 में हो गया था लेकिन इसकी फरवरी 1997 में विकास में लाया गया था। ठीक है, याद रखिए। तो भेड़ है क्लोनिंग पहली, ठीक है, डॉली। अब बात कर लेते हैं क्लोनिंग का कुछ इतिहास। ये वर्ष हो गया, वैज्ञानिक हो गए, प्रजाति हो गए और विधि और परिणाम। तो 1952 में रॉबर्ट विक्स व थॉमस के मेडक प्रजाति नाभिकीय प्रत्यारोपण भ्रूण से अंडाणु। ठीक है, टेडपोल का जन्म प्रौढ़ता के पूर्व ही मृत्यु हो गई इसकी 1960 का दशक। जॉन बी गार्डन, इसने भी मेडक का प्रजाति का क्लोन बनाया। नाभिक विधि नाभिकीय प्रत्यारोपण, त्वचा लीवर किडनी कोशिका से अंडाणु, इसका परिणाम रहा है टेड पोल का जन्म पूर्णता के पूर्व ही मृत्यु फिर 1970 के दशक में। इलमेंस मधुमक्खी का नाभिकीय प्रत्यारोपण भ्रूण से अंडाणु, लार्वा का जन्म पूर्णता के पूर्व ही मृत्यु हो गई 1984। मैकग्रथ व सॉल्टर, इसने चूहा का प्रजाति नाभिकीय प्रत्यारोपण भ्रूण से अंडाणु, कुछ चूहों का जन्म युवावस्था तक कोई जीवित नहीं रहा फिर 1993 में। हॉल व स्टील मैन मनुष्य का एक भ्रूण का दो समरूप जुड़वा में कृत्रिम विभाजन, पहली बार दो जुड़वा मानव भ्रूण का जन्म असमान।
मार्च 1996 में रॉसलिंग इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने भेड़ का क्लोनिंग बनाया। नाभिकीय प्रत्यारोपण, भ्रूण से अंडाणु, मैगान और मॉर्गन नामक दो भेड़ों का सामान्य जन्म। जून 1996 में रॉसलिंग इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने भेड़ नाभिकीय प्रत्यारोपण, थन कोशिका से अंडाणु बनाया। डॉली नाम की भेड़ का सामान्य जन्म हुआ। आगे बात करते हैं, मार्च 1997 में डॉन ऑल्फ और उनके साथी ओरेगन अमेरिका ने बंदर का नाभिकीय प्रत्यारोपण, भ्रूण से अंडाणु, दो बंदरों का सामान्य जन्म। फरवरी 1998 में अमेरिका में ब्लैक सवर के वैज्ञानिक बछड़े का जन्म हुआ। 20 फरवरी 1998 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बछिया का नाम मार्गुराइट रखा गया। 5 जुलाई 1998 जापान में दो बच्चियों को जन्म देने वाली गाय की मृत्यु व कुछ समय बाद बच्चियों की मृत्यु हो गई। जून जुलाई 1998 हवाई विश्वविद्यालय अमेरिका ने चूहा का एक क्लोन बनाया, 50 से अधिक क्लोन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग शुक्र जनन एवं अंड जनन में समानताएं। तो ये शुक्र जनन हो गए, ये अंड जनन। पहला है, शुक्राणु का निर्माण जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होता है। अंडाणु का जनन भी जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होता है। शुक्र जनन का परिपक्वन प्रावस्था में दो विभाजन होते हैं। अंडजनन की परिपक्वता प्रावस्था में शुक्रजन की परिपक्वन प्रावस्था की तरह दो विभाजन होते हैं। शुक्र जनन क्रिया में गुणन, वृद्धि एवं परिपक्वन तीनों प्रावस्थाएँ होती हैं। अंडजन क्रिया में भी शुक्र जनन की तरह तीनों प्रावस्थाएँ होती हैं। समसूत्री विभाजन द्वारा गुणन प्रावस्था में कोशिका संख्या में वृद्धि करती हैं। इसमें भी समसूत्री विभाजन द्वारा गुणन प्रावस्था में कोशिकाएं संख्या में वृद्धि करती हैं। इसमें अंतिम उत्पाद नर युग्मक है। इसमें अंतिम उत्पाद मादा युग्मक बनते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे हम शुक्र जनन एवं अंड जनन में अंतर। शुक्र जनन, अंड जनन, एक स्पर्मेटोसाइट में चार कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक ओगोनिया से केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु क्रिया में कोई भी ध्रुव कोशिका नहीं होती। अंड जनन में दो तीन ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। स्पर्मेटोसाइट से बने चार शुक्राणु निषेचन क्रिया में भाग ले सकते हैं। ओगोनिया से बना अंडाणु निषेचन क्रिया में भाग ले सकता है। ध्रुव कोशिकाएं निषेचन में भाग नहीं लेती। शुक्राणु छोटे व सक्रिय होते हैं, अंडाणु बड़े व निष्क्रिय होते हैं। जनन संबंधी कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। यौवनारंभ, मनुष्य के जीवन काल में जब उसमें जनन क्षमता आरंभ होती है उस अवस्था को यौवनारंभ कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षण, यौवनारंभ के समय मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अनेक ऐसे परिवर्तन होते हैं जो मादा को नर से विभेदित करते हैं। इन लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। मेनार्की, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना मेनार्की कहलाता है। रजोन्नति, स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र के पश्चात ऋतु स्त्राव नहीं होता है, इसे ही रजोन्नति कहते हैं। अंडोत्सर्ग, अंडाशय द्वारा अंडाणुओं की निर्मुक्ति को अंडोत्सर्ग कहते हैं। जरायु, गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। ठीक है, अंकुर, जरायु से अंगुलियों के आकार के अनेक विवर्ध निकलते जिन्हें अंकुर कहते हैं। अपरा, अंकुर और गर्भाशय कोशिकाएं परत के संपर्क क्षेत्र को अपरा कहते हैं। नाभि रज्जु, गर्भ अपरा से एक मजबूत डोरी जैसी रचना से जुड़ा होता है जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। यह माता और गर्भ के बीच अंग का कार्य करती है। फिर जायगोट, युग्मज, निषेचित अंडाणु को युग्मज कहा जाता है। याद रखिए अम्बिलिकल कॉर्ड है ये प्लासेंटा पूछ लेता है। ठीक है, इंग्लिश नाम भी याद रखिए। फिर कार्यांतरण के विकार, एमेटाबोलस, बिना कार्यांतरण के परिवर्तन, उदाहरण लेपिसिमा। पैरामेटाबोलस, नियमित क्रमिक कायांतरक, हेमी मेटाबोलस, अल्प कायांतरण, डैगन फ्लाई। होलो मेटाबोलस, अल्प कायांतरण, मच्छर चींटी तितली। अति क्रमिडी,
कायांतरण, जटिल लावा से सरल वयस्क का परिवर्तन, उदाहरण हर्ड मानिया। ठीक है, तो ये था हमारा कौन से नंबर का, 22, जंतु एवं पादपों में जनन। अब 23वां है हमारा रहेगा, मानव शरीर में पाचन श्वसन उत्सर्जन तंत्र। ठीक है।